दीर्घ 25 वर्ष धरी शासन कले बीजेडी सरकार आओ गाँ को रास्ता माँ को सम्मान रो नारा भी देले एवं गाँ गाँ रे एक रास्ता संजोगीकरण सांग को माँ मान को सम्मान रो दबा कथा नहीं बाहाबा भी मारे किंतु यार भितर किसी बास्तव स्थिति एभली आसुची आज मध्य दीर्घ 25 वर्ष रो दाबी परे गाँ को खंडे रास्ता भी हो पारा ना स्थानीय सरपंच टू आरंभ कर वीडियो एवं सरकार को दृष्टि आकर्षण करते ये गाँ को रास्ता ना जोद्वारा आप देखुं ये हूँ बरीगुमा ब्लक ये हरदली पंचायत ये हूँ बिरीगुड़ा गाँ जो पाखापाखि गाँ को लगे 2 किलोमीटर रास्ता रही दीर्घ 24 वर्ष धरी मैंने गाँ को खंडे रास्ता निर्माण करने स्थानीय प्रशासन टू आरंभ कर राज्य सरकार को गुहारी करते किंतु आज पर्यंत जेहेतु कौन से दुख कई बुझे शेष में बाध्य काद पचपच रास्तार यदि कौन लोकंर देह खराब हेले खटिया पखापाखि 2 किलोमीटर खटिया बुआ हो जेहेतु देखु ये हूँ दृश्य गाँ लोक सब एकजुट होती निजे निज गाँ रास्ता को मरामति करने एकजुट होती दीर्घ 25 वर्षर सरकार जी गाँ को गोटे रास्ता खंडे जी जोजोग करने सक्षम नुहे ताले जानतु ये हूँ बास्तव स्थिति गाँ को रास्ता आर बास्तव स्थिति हो आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना ये हूँ हरदली पंचायत बिरीगुड़ा गाँ लोक एमाने निजे निज रास्ता को गाँ रास्ता को निर्माण करने लगे आज्ञा कौन है असुविधा कौन कर आज्ञा आम खरा शीत तो आम आनाजान आज्ञा वर्षा दिन हेल्ले बहुत हैरान होपर आनाजान बहुत हैरान आम गले एतकी आम गोड़ पशि जाऊँ कू पाखे बुढ़ा बुढ़ी कू पाखे चलू बोले चली पार ना जदि किए सीरीयस गले बोले आम खटिया नहीं जाऊँ आज्ञा यहाँ दीर्घ आम जानवा पूर्व आज्ञा यहाँ आम सरकार 25 वर्ष है आमको रास्ता खंडे दे पारे ना माँ को सम्मान गाँ को सम्मान बोल कर खाली डिग्लेर आगे आम शुणी आज्ञा आमको किसी सुविधा आम किसी सुविधा पाईलु ना कौन कर रास्ता किए कर तुम कर आम ना आज्ञा गाँव वाला समस्ते मिसिक रास्ता की आना जाना टे समस्त चांदा करें आना जाना टे सुरक्षा कर सरकार बदल नुआ सरकार रास्ता हम हाँ सरकार तो आम टे आशा अच्छे एम नुआ सरकार आसले आम रास्ता टी करदेव बोले आम पूरा विश्वास आम अच्छे आज्ञा कत दिन रास्ता गाँ लोक लगी आम तो टिके टिके आम प्रति वर्ष एमती करना जाना हो आज मध्य देखते आज आम गाँ सारा समस्त अच्छु आप देखुले हूँ बिरीगुड़ा गाँव रृश्य जो हरदली पंचायत बिरीगुड़ा गाँ लोक से दुख कहानी कहते जेहेतु गाँ को रास्ता जो राज्य सरकार बीजेडी सरकार जो नारा देते तार बास्तवता को बखाणुं गाँ लोक आप देखुं सीधा सड़क निज गाँव रास्ता को निजे सजाड़ापे मैंने पूरा लग पड़ सका पखापाखि जेहेतु ये गाँव में पखापाखि 300 रु 400 पर रही दैनिक बरीगुमा सदर महकुमा को जवाक रास्ता ही एक माध्यम जेहेतु बर्षा दिन आसी देखो बर्षा दिन आरंभ है ना रास्त आंटे काद गाड़ी भी जाऊनी आम सीधा सड़क आप देखुं निज गाँ रास्ता को जेहेतु कौन प्रशासनिक स्तर में कौन अभोग जो शुणिले रास्ता है शेष में अंटा भिड़ गाँ लोक निज गाँ रास्ता को निजे बनवाप लगे आज्ञा कौन कहे कौन असुविधा आज्ञा आम हरदली पंचायत बिरीगुड़ा ग्राम रु कौ आज को प्राय 25 वर्ष हम आमर रास्ता ना ये गोटे बोली रास्ता ए रास्ता रे आगे पु झी स्कूल जीवा गर्भवती माँ मान आंबुलांस ने पुणी अन्न्य जहाँ असुविधा ये रास्ता देकर जास करूचु आ सरकार आमर जो सरकार थिले गाँ को सम्मान रास्ता गाँ को रास्ता माँ को सम्मान जो कथा मैंने शुणलु बर्तमान पर्यंत आम गाँ को रास्ता ना आम देखिपारू ना एबे गोटे दुई दिन है बर्षा ही आम जहाँ से पार्लु ना तेणुक ये रास्ता आम निजे कालीडू गाँ वाला चंदा करी दुईटी ट्राक्टर को तैयारी आम डस्ट आनी मरामति करुचु आम बर्तमान आशा करुचु बर्तमान नुआ सरकार है बीजेपी सरकार यही रास्ताटा आम पिछु करदे टे आशा रखीचु देह देखो गाड़ी तो जाऊनी आम गाड़ी आप चलते लग जाऊँ जी कार देह जदि बर्षा दिन खराब हेल्ले कमी कर 2 किलोमीटर आज्ञा बर्षा दिन जब गाँ लोकर देह खराब है खटिया नहीं जाऊँ आ के प्राय 25 वर्ष चिल्ड्रा आम जानवा पर्यटन ये रास्त चलचु आम।
ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପଦଚଲା ରାସ୍ତା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେହି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା ଯେମାନେ କହୁଥିଲେ ତ ଗାଁକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅତି ନିକଟରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ହୁଏତ ଗାଁର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଏକ ସୁଗମ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ଇଆଡ଼େ କାଦ ହେଇଗଲାରୁ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଉଛୁ ବରିଗମା ବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ କି ଚାଲି ଚାଲି ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କାହା କହିଥିଲେ? ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ପିଓ ଆମର ଜେ ବିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ମାତ୍ର କେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆମର କଥାକୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ସେଇ ସରକାରକୁ ଆମେମାନେ ଜଣାଉଛୁ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଏଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାନ୍ଦା କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ? ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଗାଁରେ ବସିକିରି ନାଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଆସବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଚାନ୍ଦା କରିକରି ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଗାଡ଼ି ଲଗାଇକରି ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ତିଆରି କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ହେଉଛି ହର୍ଦଳୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇପାରିଲେନି କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲେନି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏ ଗାଁକୁ ଏକ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇ ମାଆମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯିବେ ସେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।